हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक ऐसा नाश्ता बनाने वाले हैं जिसको बनाकर आप एक बार बनाएंगे और महीनों तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में हमने लगभग 3 बड़े चम्मच जितना साबुत धनिया लिया है, 2 चम्मच हमने सौंफ ली है और 1 चम्मच हमने जीरा लिया है। तीनों ही चीज़ों को हम लोग ड्राई रोस्ट करेंगे बिना तेल के, बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर, जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है। तो देखिए, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया और बहुत ही बढ़िया सी, इससे ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है। इसको बाहर निकाल लेते हैं और उसको एकदम दरदरा सा पीस कर तैयार करेंगे ठंडा होने के बाद में। अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर लगभग 1.5 किलो जितनी मैदा ली है, आप 1 कप के हिसाब से भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बता रही हूँ कि एक बार बना करके आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो स्वाद अनुसार इसमें डाल देंगे नमक और अब हम इस पर डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके तेल। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें लगभग 200 ml जितना ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना है, लेकिन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो कितना ऐड करना है ये आपको वैसे नॉर्मली सबको पता होता है, लेकिन फिर भी आपको बता दूंगी कि जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसको मसलते हुए पूरे ऑयल को अच्छे से पूरी मैदा में मिक्स करना है, जिससे कि हमारी जो नाश्ता बनेगा वो एकदम खस्ता बनकर तैयार होगा। और जब इसमें पूरा ऑयल अच्छे से मिल जाएगा तो हम इसकी मुट्ठी बना करके देखेंगे, और अच्छे से ये बाइंड हो रहा है इसका मतलब ऑयल एकदम परफेक्ट है इसमें। अगर ये बाइंड नहीं हो रहा है, बिखर रहा है, तो आपको इसमें ऑयल और भी ज़्यादा इसमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे करके इसमें मिक्स करेंगे, एक साथ में बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। और यहाँ देखिए, इस तरीके से हम इसको उठा करके बाइंड करके देखेंगे। देखिए, अच्छे से बाइंड हो रहा है, इसका मतलब ऑयल एकदम परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करके एकदम सॉफ्ट सा आटा गूंद कर तैयार करना है, जैसे हम चपाती के लिए लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आटा हमें गूंद कर तैयार करना है। उससे भी थोड़ा सा नरम होगा तो अच्छा रहेगा, टाइट नहीं होना चाहिए। टाइट होगा तो इसको बाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्या दिक्कत आएगी मैं आपको इसको वीडियो में अभी बता दूंगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि नरम हमें क्यों लगाना है आटा। तो थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से सॉफ्ट आटा गूंदना है। ध्यान रखना है आपको ज़्यादा लोच देने की ज़रूरत नहीं है, बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है आपस में। और ये देखिए, हमारा आटा अच्छे से हमने सेट करके तैयार कर लिया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए जो आटा है वो एकदम चिपचिपा सा लग रहा है, देखिए हाथों में चिपक रहा है, ऐसा ही हमको चाहिए। अब इसको ढक करके लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि आटा बढ़िया से सेट होकर के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने 1 कप जितनी मूंग की दाल और 1/2 कप उड़द की दाल को भीगने के लिए छोड़ दिया था। 2 घंटे के लिए मैंने गर्म पानी में भिगोया है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो हमने गर्म पानी में भिगो दिया है। अगर टाइम हो तो आप ओवरनाइट भी इसको सोक कर सकते हैं। दोनों ही दालों को भिगोने के बाद में आप इसको एक मिक्सी ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। मैं पूरी दाल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, थोड़ी सी दाल को हम दरदरा सा पीसेंगे, बाकी की जो दाल है उसको हम लोग साबुत में रखने वाले हैं। तो इसको दरदरा सा इसको पीसना है बिना पानी के। यहाँ पर हमने अपनी दाल को एकदम दरदरा सा पीस कर तैयार कर लिया है, बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है इसको पीसते टाइम। और जो भी दाल हमको पीसनी है जितनी, वो सारी इसी तरह से पीस कर तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में लगभग 3 बड़े चम्मच जितना ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म होने के बाद में जो दरदरा मसाला हमने पीसा था ना, जो शुरू में सेक लिया था, हमने भूना था हल्का सा, बस वही मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को एकदम धीमा रखना है और साथ ही में डाल देंगे थोड़ी सी कटी हुई अदरक और थोड़ी सी चॉप की हुई हरी मिर्च इसमें ऐड कर दी है। दोनों ही चीज़ों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है बिल्कुल भी मसाले जले नहीं। जब ये हल्के से रोस्ट हो जाएंगे तो लगभग 1 कटोरी जितना हमने इसमें बेसन ऐड कर दिया है। और बेसन को ऐड करने के बाद में हम इसको हल्का सा रोस्ट करना होगा, जिससे कि अच्छी सी खुशबू आएगी और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा हमारे नाश्ते के अंदर। तो बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाइए और इसको धीरे धीरे भूनते जाइए। जैसे ही बेसन भुनने लगेगा, ये अपने ऑयल को अच्छे से रिलीज़ करने लगेगा और आपको पता चलेगा कि बेसन भुन चुका है। तो यहाँ देखिए, ये ऑयल रिलीज़ करने लगा है बेसन, इसका मतलब अच्छे से भून गया है। बस इससे ज़्यादा हमें इसको भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने दाल को पीस करके तैयार किया था वो दाल इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही में थोड़ी सी दाल हमने बचाकर भी रखी थी साबुत, उसको पीसा नहीं था, तो वो दाल भी हम इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। दोनों ही दालों को इसके अंदर से बढ़िया से मिक्स कर देंगे, ज़्यादा पानी वगैरह इसमें ऐड नहीं करना है, गैस की फ्लेम को लो कर देना है। और इसको अब हमें अच्छे से मिक्स करना है। पहले इस दाल को अच्छे से बेसन के साथ में मिक्स कर लेंगे, जिससे कि बेसन नीचे से जलेगा नहीं। अगर वो ऐसे ही पड़ा रहेगा ना नीचे कढ़ाई में, तो नीचे से लग जाएगा और उसमें फिर अलग से खुशबू आने लगेगी, जिससे कि नाश्ता बढ़िया नहीं लगेगा। बस एक बार दाल को अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद में हम इसमें फिर मसाले ऐड कर देंगे। तो पहले दाल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दाल को अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा हमने गरम मसाला ऐड कर दिया है, लगभग 1 बड़ा चम्मच जितना। 1 छोटा चम्मच इसमें हमने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है और 1/2 छोटा चम्मच इसमें हमने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया। मसाले की मात्रा थोड़ी सी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। साथ ही में डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच जितना अमचूर पाउडर। अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। 2 पिंच इसमें डाल देंगे हींग, यानी कि जो हम हींग कड़ी वगैरह में डालते हैं ना, वही इसमें ऐड करना है, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा।
साथ ही में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। और साथ ही में ध्यान रखना है जो आउटर कोटिंग है उसमें भी नमक डाला, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं ऐड करना है। बस अब सभी मसालों को अच्छे से कर देंगे मिक्स। एकदम से बेसिक से मसाले हैं जो सभी के घर में अवेलेबल होते हैं, तो आपको ज़्यादा इसमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि बाज़ार से आपको कुछ लेकर आना पड़ेगा। बस घर पे ही आप इन चीज़ों को बनाइए और आराम से महीनों तक आप इसको नाश्ते में, स्नैक्स में इंजॉय कर सकेंगे, बहुत मज़ा आएगा। अब इसमें साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, वैसे तो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, लेकिन अगर डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया जाता है। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर ऐड करें, इससे आपका जो नाश्ते का लेवल है ना वो बहुत ही अलग चला जाता है, बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। बस अब इस दाल को हमें तब तक भूनना है जब तक कि हल्की सी ड्राई नहीं होने लगती है, सिर्फ हल्का सा भूनेंगे, लगभग लगभग 3 से 4 मिनट इसमें लगेंगे, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। और ये देखिए हमारी जो दाल है वो पहले से थोड़ी सी ड्राई हो गई है, थोड़ी बिखरी बिखरी लगने लगी है। बस अब इसको दूसरी कढ़ाई में निकाल कर दूसरे बर्तन में ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ हमारी जो मैदा है वो अच्छे से सेट होकर के तैयार हो गई है, थोड़ी गीली है और ऐसे ही हमको चाहिए। बस अब हाथों में हल्का सा ऑयल लगा करके आटे को फिर से सेट कर लेंगे और जो पूरा मसाला था उसे हमने इस तरह से छोटे छोटे गोले जैसे बना लिए, छोटे छोटे लड्डू उस मसाले से हमने बनाकर तैयार कर लिए अपनी स्टफिंग से, और आटे से हमने छोटे छोटे पेड़े इस तरह से तोड़ करके तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक एक पेड़े को उठाएंगे और हाथों के बीच में रगड़ते हुए इसका एकदम चिकना सा बॉल बनाकर तैयार करेंगे। आपको ध्यान रखना है ज़्यादा इसमें क्रैक्स नहीं नज़र आने चाहिए, नहीं तो हमारा नाश्ता एकदम परफेक्ट नहीं दिखेगा। बस इस तरह से सारे पेड़े बना करके, सारी बॉल्स बना करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी बॉल्स बना ली हैं। अब एक बॉल को हम लोग उठाएंगे और बॉल को उठा करके हमें इसके किनारों पर से इसको अच्छे से प्रेस करना है। बीच में से आपको प्रेस नहीं करना है, सिर्फ जो किनारे हैं वो हमें प्रेस करना है। ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ऐसे, आप चाहें तो वैसे बेल कर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं हाथों से ही बनाना आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही आसान है इसको बनाना, बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी आपको। ये देखिए हाथों के बीच में इस तरह से रखेंगे इसको, आपको ज़्यादा कैविटी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक हम छोटा सा जो हमारे मसाले का लड्डू हमने बनाया था वो लड्डू उठा करके इसके बीचों बीच रख देंगे और उसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। जैसे हम इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे ये इसमें कैविटी अपना बन जाएगी और जो डो है वो ऊपर की तरफ निकलने लगेगा। ये देखिए इस तरीके से, और इसको हमें ऊपर की तरफ बस प्रेस करते जाना है और इसको स्क्वीज़ करेंगे, तो जैसे ही स्क्वीज़ करते जाएंगे ये अपने आप ऊपर की तरफ आएगा और नीचे से अलग हो जाएगा, और बस इसको यहाँ से तोड़ करके अलग कर देना है। तो देखिए जैसे हम रोटी के लिए आटे की लोई बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही, या तो आप तोड़ सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल जॉइंट फ्री हमारी यहाँ पर ये गोल गोल कचौरी बन करके तैयार हो गई, एकदम बिल्कुल भी जॉइंट नहीं आएगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। और हाँ, अब अगर हमारा आटा गीला होता है तो हमें इसको पानी से चिपकाने की ज़रूरत नहीं होती, एकदम जॉइंट फ्री हमारी कचौरी बन जाती है। लेकिन अगर हम लोगों ने आटा नरम नहीं रखा है, थोड़ा टाइट हो गया, तो इसको चिपकाने में बहुत प्रॉब्लम आती है और ऑयल में जाने के बाद में ये खुल जाती है, इसलिए हमने आटे को एकदम नरम रखा है जिससे कि बाद में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये देखिए एक और मैं आपको बना करके दिखाती हूँ, हमने डो लगाया बस अंदर थोड़ा सा मसाले का और उसको अच्छे से स्क्वीज़ किया इस तरीके से, और बस स्क्वीज़ करते हुए हम ऊपर से तोड़ करके निकाल देना है। आप इस तरीके से भी तोड़ कर निकाल सकते हैं, अच्छे से चिपक जाता है। ये देखिए चिपक गया है, बस इसको सर्कल में इस तरह से गोल किया और ये हमारी सारी कचौरी बनकर तैयार है। तो चलिए सभी कचौरियाँ से पहले बनाकर रख लेते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल को भी गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर ही आपको गर्म करना है। एक एक करके कचौरियाँ इसके अंदर डालते जाएंगे हम लोग, और फ्लेम को आपको लो मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, नहीं तो जो कचौरियाँ हैं बाहर से लाल हो जाएंगी, अंदर से बिल्कुल भी सिक नहीं पाएंगी और कच्ची कच्ची लगेंगी। तो यहाँ देखिए आपको एकदम पेशेंस के साथ में ये कचौरियों को तलना होगा, जैसे हम गुलाब जामुन को तलते हैं बिल्कुल वैसे ही, लेकिन एक साथ में काफ़ी सारी कचौरियाँ इसके अंदर आ जाती हैं, तो आपको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बनाने में भी बहुत आसान रहता है, क्योंकि इसको हमें ये नहीं होता कि ये फूलेंगी या नहीं फूलेंगी, बहुत ही आसानी से बन जाती है। एक बार बनाएंगे और फिर महीनों तक आराम से स्टोर करके आप इसको खा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा मसाले के अंदर आपको बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रखना है। और ये देखिए धीमी धीमी आंच पर भूनते हुए तलते हुए हमने इसको कचौरियों को बना करके तैयार कर लिया है। कचौरी का कितना बढ़िया सा कलर आ गया, जैसे मार्केट में हमें हल्दी नाम की कचौरी मिलती है बिल्कुल वैसा ही कलर, वैसा ही टेस्ट इसका आएगा। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो इनको बाहर निकाल के रखते हैं और सारी कचौरियों को हम इसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। बस ध्यान रखना है तलते टाइम आपको लो फ्लेम पर ही इनको तलना है, तो आपकी कचौरियाँ एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। और ये लीजिए तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी हल्दीराम स्टाइल ड्राई कचौरी, जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है। वैसे अगर आप लोग दाल भिगोना नहीं चाहें तो आप लोग जो मूंग की दाल होती है, जो मूंग की दाल की नमकीन होती है, उसको भी पीस कर आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी नमकीन आपके पास हो वो आप पीस करके उसमें मसाले जो मैंने बताए हैं वो सारे ऐड करके उन कचौरियों को बना सकते हैं, टेस्ट उतना ही बढ़िया इसमें आता है।
और ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीका, परफेक्ट गोल गोल कचौरियाँ हमारी बनकर तैयार है। एकदम जो टेक्सचर है बिल्कुल सेम है। और ये देखिए कचौरी मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितनी परफेक्ट और अंदर से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टेस्टी कचौरी हमारी बनकर के तैयार हुई है। एक कचौरी हम आपको कट करके भी दिखाते हैं कि कचौरियाँ कितनी खस्ता और कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। देखिए जिस तरीके से हमने कट किया है, देखिए मैदा किस तरीके से निकल रही है, इसका मतलब हमारी जो कचौरी है बहुत ही खस्ता बनकर के तैयार हुई है। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी कचौरी बनी है। एक जब आपके घर में कोई गेस्ट आएगा तो आप उसको सर्व कीजिएगा, खा करके वो लोग खुश हो जाएंगे कि इतनी बढ़िया हमारी कचौरी हमने घर पर ही बना करके तैयार की है। तो आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ऐसे अच्छे वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास साफ सफाई रखिएगा, कोविड की वजह से थोड़ा सा मास्क जरूर लगाइएगा, कोविड गाइडलाइंस का पालन जरूर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।